सोलन वासियों को एक और इलेक्ट्रिकल टैक्सी का तोहफा मिल गया है। इस बार यह तोहफा वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सोलन वासियों को दिया है। इस टैक्सी का शुभारंभ सोलन के पुराने बस स्टैंड से हुआ, जहां वन मंत्री के पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि ये टैक्सी सेवा चंबा घाट से होकर रोबिन होते हुए अस्पताल तक जाएगी। इस मौके पर वन मंत्री ने बताया कि सोलन में छोटी इलेक्ट्रिकल टैक्सी का शुभारंभ किया गया है, जिससे करीबन 5,000 लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इस टैक्सी से जहां लोगों को फायदा मिलेगा, वहीं इन गाड़ियों के चलने से पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वे ट्रायल के तौर पर इन वैनों को हिमाचल में चला रहे हैं, और अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो भविष्य में और भी टैक्सियां हिमाचल में चलाई जाएंगी। आज सोलन नगर के वार्ड नंबर 3 से हमने एक छोटी इलेक्ट्रिक टैक्सी को प्रारंभ किया है। जो टैक्सी सब्जी मंडी से क्षेड और अस्पताल तक जाएगी, और जिसके कारण से लगभग 5,000 की आबादी को लाभ मिलेगा, ये हमने आज यहाँ पर प्रारंभ किया है। और इसके लिए मैं यहाँ पर यहाँ के पार्षद, यहाँ के सांसद महोदय और डॉक्टर राजेश कश्यप जी सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। और इस इलेक्ट्रिक टैक्सी के कारण से सभी लोग लाभान्वित होंगे। हाँ, निश्चित रूप से पर्यावरण के लिए तो इलेक्ट्रिक जो गाड़ी वो सबसे अच्छी है, और इसलिए कि इसमें पर्यावरण यानी सुरक्षित रहना ये तो बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से अभी हमने प्रयोग प्रारंभ किए हैं, और आवश्यकता हुई तो हम और भी ऐसी टैक्सी लाएंगे।